तो भाई शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड लेक्चर। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको तीन चीजें बताई थी, आर रूट, एस साइन, सी कंपेयर, रूट साइन कंपेयर। तो पहले नंबर पर तो ये बताया था, ठीक, नंबर टू। फिर आज बताया था भी दोनों कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव हो तो भाई आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सी एन डी, ठीक। और एक बताया था भी 4 डिग्री, 2 डिग्री कांस्टेंट टर्म, ठीक। और एक तरफ है कुछ वाई की इक्वेशन, वो भी 4 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर कांस्टेंट टर्म। अगर ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए तो भाई आंसर क्या लगाओगे, हमेशा व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर इज सी एंड डी, ठीक। आवाज आ रही है भाई सबको? हेलो, ओके। तो भी आज रजे नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सपोज आपको ये इक्वेशन दे रखी है, दो एक्स स्क्वायर -7 रूट टू वाई, सॉरी एक्स +24 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर -5 रूट वाई +30 इज इक्वल टू 0, ठीक। एंड आपसे पूछा जाएगा वही पांच ऑप्शंस, बी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड सी एंड डी वाली, ठीक है। तो रूट वाले केस में आपने क्या करना है, ठीक है, रूट वाले केस में आपने क्या करना है, इसको मॉडिफाई कर देना। क्या करना है, इसको मॉडिफाई, ठीक। तो मॉडिफाई कैसे होगी ये इक्वेशन, पहले तो रूट टू कैंसिल करें, ठीक, एंड कांस्टेंट टर्म को 2 से डिवाइड कर देना। तो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर -7x +12 इज इक्वल टू 0, ठीक। और फिर ये वाली इक्वेशन के लिए राजे मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, जल्दी बताएं। डिड यू रिमेम्बर, मल्टीप्लाई करने पर मैंने एक रूल बताया था आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 12, एंड प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 7। बताओ कोई ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 12 वैल्यू दें, प्लस करने पर 7 वैल्यू दें। हाँ जी, 4 एंड 3, ठीक। अब साइन क्या आएंगे भाई, साइन क्या आएंगे, साइन बॉक्स याद करें, प्लस प्लस आएंगे, ठीक। आपने किसको कैंसिल किया था भाई, रूट टू को, तो रूट टू भी लगा दे साथ में, रूट टू भी साथ में लगा दे, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। बताओ क्लियर है ये सबको, ओके। सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई में रूट फाइव कैंसल, और बताओ 30 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, व्हाट शुड वी डिवाइड, 5 से, वेरी गुड, 5 से डिवाइड करें। तो
मॉडिफाई होके क्या इक्वेशन आएगी, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो भाई मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर 5 आना चाहिए भाई, ऐसे कोई दो नंबर हो। 3, हाँ जी, पहले आपने बड़ा नंबर ही रखना है। ओके, साइन क्या आएंगे दोनों के, प्लस प्लस साइन बॉक्स के अकॉर्डिंग, और फिर साथ में दोनों के क्या लगा देना आपने, √5 √5। ठीक, ये नोट कर ले इसे जल्दी से। नोटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसको पहले वो करते हैं भाई, चेक करते हैं ना भाई, हमारे रूट्स निकल गए हैं, साइंस लगा दिए हैं, कंपेयर करना रह गया है ना, कंपेयर वाला पकड़ते हैं। पहले 4√2 पकड़ लो, ठीक, और इसके सामने वाई की दोनों वैल्यूज रखेंगे, ठीक। अब पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि इसमें स्केयर रूट्स आ गए है ना, तो इसमें राजा आप स्केयर करो है ना, इसका स्केयर क्या आएगा, 4√2 का स्केयर क्या आएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा, ठीक। बाकियों का भी स्केयर कर दो, ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, 45 एंड 20। अब 32 45 से लेस है बट 20 से ग्रेटर है। अब क्या मुझे नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर करनी चाहिए, शुड आई कंपेयर नेक्स्ट वैल्यू, कि यहीं पे आंसर लिखूं भाई, इसको देख के कुछ आंसर नहीं आ रहा दिमाग में, एक लेस का साइन आ गया, एक ग्रेटर का साइन आ गया, आंसर क्या आएगा, सी एंड डी, क्योंकि ऑपोजिट साइन आ गए, ठीक, ऑपोजिट साइन शोज दैट आंसर विल बी सी एंड डी। देखो सी एंड डी रूल क्या है, देखो एक वर्ड मैंने यूज किया एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब ये होना चाहिए भी जो x की दोनों वैल्यूज हैं, ठीक, ये y की दोनों वैल्यूज से बड़ी हैं, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइन आ गया, मतलब कभी कभी ये लेस है, कभी ये ग्रेटर है, कभी है ना, तो हम एक सार नहीं बता सकते भी बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा, तो हम उस केस में लिखते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था सी एंड डी का क्या मतलब है, सी एंड डी का मतलब है कैन नॉट बी डेटर माइन, भाई नहीं बता सकते, ठीक है। अगर मान लो एक वैल्यू बड़ी आ जाए, ठीक है, दूसरी वैल्यू इससे छोटी आ जाए, तो भाई ना तो ग्रेटर हो रहा है ना तो लेस हो रहा है, ठीक है, या तो सारी टर्म्स ग्रेटर हो या सारी वैल्यूज लेस हो, ठीक है, पर यहां पे तो ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, तो जब भी ऑपोजिट साइन वाली बात होगी, ऑपोजिट साइन वाले केस में हम लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक, अंडरस्टूड सी एंड डी का क्या मतलब है, क्लियर सबको, भाई आवाज आ रही है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5√5x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 8√2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक। फटाफट बताएं इसकी मॉडिफाई इक्वेशन क्या आएगी, मॉडिफाई इक्वेशन क्या आएगी, √5 कैंसिल करें और ठीक है,
रूट, सॉरी यहां पर थोड़ी सी चेंज कर लो, रूट थ्री कर लो, ठीक है। रूट थ्री कैंसिल करें और 42 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, तो क्या कांस्टेंट टर्म बचेगी, 14, ठीक। तो भाई अब मल्टीप्लाई करने पर 14 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए, बताओ कोई ऐसे दो नंबर्स, ठीक है, जल्दी बताएं। 7 और 2, साइन बॉक्स में से साइन देख के बताएं क्या साइन आएंगे इस केस में, ठीक। वैसे तो आपको याद करने चाहिए थे साइन, माइनस माइनस के लिए क्या साइन है, प्लस माइनस। अब इनके साथ राजे जो कैंसिल किया था वो लगा दो, रूट थ्री लगा दो, ठीक। दूसरी तरफ राजे मॉडिफाई करना है, तो पहले तो भाई रूट टू कैंसिल करें, ठीक, और कांस्टेंट टर्म को 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वेयर माइनस 8 वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, प्लस करने पर 8 आना चाहिए, ठीक। ऐसे कोई दो नंबर्स 5 और 3, साइन क्या आएंगे भाई, दोनों प्लस के, और साथ में क्या लगाना है, जो भी कैंसिल कर दिया, रूट टू, ठीक। नोट कर ले इसे जल्दी से, नोट इट, ओके। नाउ लास्ट स्टेप टू कंपेयर दीज वैल्यूज, तो पहले जैसे 7√3, देखो इसमें क्या है, जो ये इंटीजर वाला पोर्शन है 7 और 5, 7 5 से बड़ा है, और ये जो रूट वाला पोर्शन है ये भी इससे बड़ा है, तो इन इन इसमें राजे स्केयर करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ग्रेटर देन पता चल रहा है। सेकंड वैल्यू से भी आप ध्यान से देखो, 7 3 से बड़ा है, √3 √2 से बड़ा है, तो भाई ये भी ग्रेटर देन आएगा। और दूसरी वैल्यू जो है -2√3, भाई ये नेगेटिव होने के कारण लेस देन है, तो आंसर क्या आएगा राजे, ऑपोजिट साइन आ गया ना, ऑपोजिट साइन शोज दैट आंसर विल बी CND, ठीक। नोट कर लें इसे जल्दी से, नोटेड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, भाई इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें। देखते भी कौन पहले आंसर देता है, जल्दी, आपके पास 1 मिनट है, यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर आंसर,
जल्दी सॉल्व करें इसे। हाँ व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताएं। यस ओके। देखो आंसर चाहिए मुझे, इन पांचों में से क्या आंसर है। देखो आंसर आपका आ रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट मुझे गुस्सा है आप पर भी, आपने पूरा सॉल्व किया। व्हाई डिड यू सॉल्व दिस कंप्लीटली, आपने कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं नोटिस की, आपने दोनों की कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं नोटिस की। ठीक है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था ना। ठीक है, बोथ कांस्टेंट टर्म आर नेगेटिव, तो भाई आंसर तो सी होना चाहिए। ठीक ओके, कल की क्लास में तो चलो बाकी रहे। सेकंड बच्चे का भी नहीं आंसर आया था ना, उनका भी नहीं आया। चलो कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स नेगेटिव हैं तो सीधा सीधा आंसर सी एंड डी लगा दो। ठीक ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कुछ नोट तो नहीं करना इस पेज में से। ओके, पूरा नहीं सॉल्व करना था इसे, इसे बस राजे कांस्टेंट टर्म को देख के सी एंड डी आपकी आवाज आनी चाहिए थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। इसमें क्या आंसर आएगा, सी एंड डी। वेरी गुड। ठीक, इस पे राजे वो ट्रिक लगेगी, मैंने 4 डिग्री वाली एक ट्रिक बता रखी है ना राजे, तो उस ट्रिक के कारण भाई आंसर क्या आएगा इसमें भी, सी एंड डी। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। हो गया, चलो नेक्स्ट। देखो एक आपको बताता हूं, परफेक्ट स्केयर रूट निकालना। ठीक है, परफेक्ट स्केयर रूट कैसे निकालते हैं, पहले तो एक टेबल याद करें। टेबल याद करें भाई, पहले तो 2, 3, 7, 8 पर क्रॉस लगा दो। ठीक है, जिनकी यूनिट प्लेस पर, अगर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 है, ठीक है, उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। नंबर्स हैविंग 2, 3, 7, 8 ऑन यूनिट प्लेस कैन नॉट हैव परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, भी उनके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं निकल सकते।
बाकी क्या बचा, बाकी बचा, ठीक है ये नोट कर ले पहले सभी। भी जैसे ही नोट हो जाए बता देना। ओके बाकी क्या बचा अभी, वन। ठीक तो वन के लिए वन, टू, टू वाला तो मैंने कैंसिल ही करवा दिया, थ्री वाला भी कैंसिल करा दिया, फोर के लिए टू, ठीक है, और थ्री भी कैंसिल करवा दिया था, फोर आ गया है ना, फाइव के लिए फाइव, सिक्स के लिए फोर, सेवन भी कैंसिल करवा दिया था एंड एट भी कैंसिल करवा दिया, ठीक है, बाकी बचा नाइन, नाइन के लिए थ्री। ये टेबल याद रखना आप, ठीक। अब जैसे सपोज मैंने 10404 का स्केयर रूट निकालना है, अगर आपको बोले भी इसका स्केयर रूट निकाल दो, ठीक, तो कैसे निकालोगे? पहले देखो यूनिट प्लेस पे क्या है इसके, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है, फोर, तो फोर, फोर के लिए टेबल क्या कहता है, फोर के लिए आप क्या लगा दो, टू, ठीक है, फोर के लिए क्या लगा दो, टू, ठीक है, पहला स्टेप समझ आ गया, ठीक। दूसरा स्टेप है लास्ट टू डिजिट्स कैंसिल कर दो, लास्ट टू डिजिट्स क्या कर दो, कैंसिल कर दो, बाकी क्या बचा, बाकी क्या बचा, 104। इसके नियर, इसके नियरेस्ट आपने स्केयर ढूंढना है, किसका स्केयर इसके नियरेस्ट है, आई थिंक 10 का स्केयर, 10 का स्केयर इसके नियरेस्ट है, ठीक। तो ये सपोज कर लो ये हो आप हो 100, ठीक है, और ये नीचे क्या है, 104, नीचे क्या है, 104, तो आप राजे 100 से क्या हो, 100 से क्या हो आप राजे, कम हो के ज्यादा हो, मतलब आप 100 हो, मतलब 104 से आप कम हो, कम है ना, तो आपने क्या करना है, एक तो भी ये जो नंबर आया ना, ये वाला नंबर, ठीक है, ये लिखना है, साथ में इसके लगा देनी है जीरो, ठीक, और अगर कम कम वाला केस है, कम वाले केस में प्लस, ज्यादा वाले केस में माइनस, तो यहां पे प्लस लगा दो, आंसर आ गया 102, आंसर आ गया 102, ठीक। इसको एक बार नोट कर लें, एक दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूं इससे रिलेटेड। हो गया, चलो इसके बाद देखो राजेश, सपोज हमने 841 का निकालना है, ठीक, तो इसमें क्या है, 841, तो टेबल के अकॉर्डिंग वन के लिए पहले क्या लगाएंगे, टेबल क्या कहता है, वन के लिए वन, फोर के लिए टू, सिक्स के लिए फोर, नाइन के लिए थ्री, फाइव के लिए फाइव, तो वन के लिए क्या लगाना चाहिए, वन, फिर पिछले दो डिजिट्स कैंसिल, एट के नियरेस्ट किसका स्केयर है, किसका स्केयर एट के, थ्री का, ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे थ्री, पर इसके साथ जीरो लगा देना, और नाइन क्या हो, नाइन क्या है आप, तो आप नीचे वाले से क्या हो, ज्यादा हो या कम, ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या लगाना है, माइनस, तो आंसर आ जाएगा 29, ठीक। ओके नोट कर ले इसे जल्दी से। नोटिट, ओके चलो एक और करते हैं। ठीक इसकी वैल्यू वन के लिए वन, फोर के लिए टू, फाइव
फाइव के लिए फाइव, सिक्स के लिए फोर, नाइन के लिए थ्री। ठीक, तो भाई पहले जो रूल है, नाइन को देखो, नाइन के लिए थ्री लगा दें, पिछले दो डिजिट्स कैंसिल। 127 के करीब किसका स्केयर है? 11 का। 11 को राजे यहां पर रखें, साथ में जीरो लगा दें। और ये 101 कौन है? आप। और आप राजे इससे क्या हो? कम, कम के लिए क्या लगाना है? प्लस। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा? 113। ये बताओ क्लियर है सबको? ओके चलो। तो इनसे रिलेटेड राजे आप चलो परफेक्ट क्यूब रूट भी सिखाता हूं आपको। परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकालना है? तो जब भी क्यूब रूट निकालने को कहेंगे किसी नंबर का, ठीक है, वो कैसे निकालना है? फिर एक टेबल याद करो, वन के लिए वन, टू के लिए एट, थ्री के लिए सेवन, फोर के लिए फोर, फाइव के लिए फाइव, सिक्स के लिए सिक्स, सेवन के लिए थ्री, एट के लिए टू, नाइन के लिए नाइन। ये टेबल याद कर ले भी जल्दी से, या लिख लें कॉपी पे। नोट इट। ओके, सपोज आपने 2744 का निकालना है क्यूब रूट। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है? फोर देखो राजे, लास्ट यूनिट प्लेस क्या है इसमें? फोर। फोर के लिए क्या है? फोर के लिए क्या लिखना है आपने? फोर। फिर पिछले तीन डिजिट कैंसल, पिछले तीन डिजिट कैंसल, बाकी क्या बचा? टू। टू किनके बीच आ, किन क्यूब्स किनके किन क्यूब्स के बीच आता है? वन का क्यूब और टू का क्यूब। ठीक है, क्या करना है? पहले यूनिट प्लेस देखा, फोर, फोर को देख के आपके माइंड में आएगा, फोर लिख दिया। ओके, देन फिर पिछले तीन डिजिट कैंसिल कर देना, बाकी क्या बचा? वो बाकी जो भी बचा, हमारे केस में यहाँ पे टू बचा। तो टू देखो किनके क्यूब्स के बीच आता है? वन क्यूब और टू क्यूब। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा ना राजे, लेफ्ट हैंड साइड वाला, बस ये नंबर यहां पे लिख दो आंसर। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, जिसका भी क्यूब कर रहे हो आप, उसको उस नंबर को लिखना है आपने, उसकी क्यूबिक वैल्यू को नहीं लिखना, बेस वैल्यू को लिखना है। ठीक है, इसे नोट कर ले जल्दी से। ओके, जैसे इसका क्यूब रूट क्या आएगा? जैसे आप पहले वन को देख लो, वन आ गया, फिर पिछले तीन कैंसिल कर दो, बाकी क्या बचा? वन। वन वन का क्यूब और टू के क्यूब में आता है, तो भाई ये वाला वन लिख दे यहाँ पर। ठीक, नोटेड। ओके, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके? चार। तो भी पांचवा क्वेश्चन देखो, एक्स स्केयर इज इक्वल टू स्केयर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2401 एंड वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2401। ठीक, तो देखो राजे, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2401। ठीक है, जब भी
ठीक है, ये एक्स जब जब भी आप स्केयर दूसरी तरफ लेके जाओगे तो भी दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस। ठीक है, तो भाई एक्स की दो वैल्यूज हैं, प्लस का रूट और माइनस का रूट। वाई की तो एक ही वैल्यू है, प्लस का रूट 24, 2401। बताओ रजे, पहली वैल्यू से ये इक्वल है और दूसरी वैल्यू से क्या है? एक्स एक्स की जो दूसरी वैल्यू है वो वाई की वैल्यू से क्या है? लेस देन। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए? एक्स क्या है, कभी तो इक्वल है कभी लेस देन है, तो आंसर आना चाहिए एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। यस और नो? ठीक, ये नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, एंड चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? पांच। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक, तो बता सकते हो राजे 841 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 841? 29। वेरी गुड, वो 30 - 1 करके 29 आ जाएगा। एंड वाई राजे, वाई की वैल्यू क्यूब रूट में दे रखी है, तो 2744 का क्यूब रूट क्या है? क्या है भाई क्यूब रूट? 14। तो क्या आंसर आना चाहिए इस वाले केस में? एक्स लेस देन, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक, नोटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें। भाई जल्दी से आंसर बता दे इसका। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? आंसर क्या आएगा जो, कौन सी ऑप्शन? ओके, बाकी बाकी आप ही बता दो राजे। आपका नहीं सॉल्व हुआ अभी? चलो देखो मुझे, एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2, प्लस 11 और माइनस 11। और वाई की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालोगे 729 का, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है और नेगेटिव वाली वैल्यू इससे लेस देन है, तो ऑपोजिट साइन क्या शो कर रहे हैं? आंसर इज
सी एन डी। ठीक, क्लियर। नोट कर लिया इसे। ओके, रूट एक्स माइनस 18 रेस टू पावर 5/2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट वाई माइनस 19 रेस टू पावर 9/2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें क्या है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है, पावर्स ऐड, क्या बन जाएगा, 5/2 एक्स की पावर 5/2। ठीक है, 18 की पावर 15, 15 है भाई यहाँ पर। ठीक, तो भैया 2 से 2 कैंसिल, 5 और 5 थी ये 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 18 का क्यूब। ठीक, दूसरी तरफ ये वाई को लिख, रूट वाई को लिखें, वाई की पावर 1/2। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वाई की पावर 3/2 इज इक्वल टू 19 की पावर 9/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 और ये 9 कैंसिल करके वाई क्या आ जाएगा, 19 का क्यूब। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, आंसर इज, जल्दी जल्दी बता दें। भी आंसर क्या आ रहा है, एक्स लेस देन वाई, यस और नो? ठीक है, आपको क्यूब क्यों क्यूब क्यों सॉल्व करें, बिना सॉल्व किए पता तो चल रहा है एक्स लेस देन वाई है। ओके, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस वही होंगे, एक्स ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ठीक, ये 5 ऑप्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप एलसीएम लोगे, ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू आ 13/6 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.1। ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या है, वाई वाला है ना, तो सॉल्व करेंगे 12 एलसीएम लेंगे, 3√y। ठीक, तो ये आ रहा है 10y इज इक्वल टू 12, वाई की वैल्यू 1.2। तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, जल्दी बताएं, एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक, चले आगे, जल्दी से नोट कर लेते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भाई इस क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राजा कितना एलसीएम आ रहा है? 6, 2 रूट एक्स प्लस 5 रूट एक्स इज इक्वल टू 3/√x, तो ये आ जाएगा राजा 7x इज इक्वल टू 18, और x की वैल्यू आ रही है 18/7 अप्रोक्सीमेटली 2.5। और हाँ जी वेरी गुड, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वेरी गुड। ठीक है, दूसरी तरफ वाई वाली इक्वेशन आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 34/√y इज इक्वल टू 17√y। ठीक है, तो ये 7y इज इक्वल टू 34, y की वैल्यू आ रही है 2, तो आंसर इज एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक भाई, नोट कर ले इसे जल्दी से। हो गया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ठीक, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं। ठीक, तो क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर 18 + 6x - 12 - 8 इज इक्वल टू 0। भाई यहां से 6x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, और x की वैल्यू 1/3 मतलब 0.33 अप्रोक्सीमेट। दूसरी तरफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इनको ऐड करो 9.68, 5.64, ठीक, क्या आ जाएगा, 8 4 12, फिर 6 6 12 और 1 13, 9 5 14 और 1 15। ठीक, दूसरी तरफ 16.95, तो भाई इनको सब्ट्रैक्ट करके वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1.63 के। ठीक है, ये लगभग किसके इक्वल है, ये लगभग 1.64 के इक्वल है। ठीक है, 6 9 के इक्वल समझ लो, 1.69 के इक्वलेंट है, और ये किसका स्क्वायर होता है, 1.69 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 1.69 होता है, 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर अजय 1.69, तो 1.69 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर है, 1.3 का। ठीक है, तो यहां से वाई की क्या वैल्यूज आ रही हैं, लगभग वाई किन के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करोगे दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आ रही हैं, +-1.3 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, तो एक्स की राजे जो वैल्यू आई है 0.33, ठीक है, वो पॉजिटिव वैल्यू से लेस है, नेगेटिव वैल्यू से बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्लियर, ओके। तो राजे हमने हर कैटेगरी के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, इन इन सारी कैटेगरीज में से ही आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो रेस्ट इज योर प्रैक्टिस, तो आपकी बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आपका एक छोटा सा क्विज रखूंगा, ठीक है, टाइम बता दो किस टाइम रखूं, शाम को रख दूं आज, ओके, कितने बजे, 5 5 बजे रख लूं, वो इसी इसी में है राजू, 20 मिनट में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, मतलब वो वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, ओके,
तो आप दोनों लेक्चर्स देखो, शाम को 5 बजे क्विज होगा, उस क्विज को अटेम्प्ट करो, अपनी प्रैक्टिस करो। और ये जो सब्जेक्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसके मतलब 5 से 10 नंबर का ये आना ही आना है किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। तो जो बैंकिंग बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस। चाहे 10 क्वेश्चन कर लो, चाहे 5 क्वेश्चन कर लो, डेली प्रैक्टिस करते हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स। चाहे जितने मर्जी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे उनको पता है मेरे क्वाड्रेटिक में पिछले टेस्ट में फुल मार्क्स आए थे, बट दे डेली प्रैक्टिस। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर ले लो क्रिकेट का, ठीक है, डेली वो उतनी ही प्रैक्टिस करता है जितनी उसने यंग एज में की थी। ठीक है, तो इसकी आपको इस पर आपका होल्ड बना रहेगा डेली प्रैक्टिस करने से, चाहे 5 से 10 क्वेश्चन ही कर लेना। ओके, सो ठीक है राजे, शाम को क्विज है आपका 5 बजे, बी प्रिपेयर्ड। ओके ओके, ठीक है राजे, ओके, टेक केयर, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ।